हुडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किया संबोधित। बलिदानियों के नामों को बच्चों बच्चों तक पहुंचाएंगे। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जयंती को मनाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किया संबोधित। बलिदानियों के नामों को बच्चों बच्चों तक पहुँचाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने लाखों बलिदानियों के नाम सामने नहीं आने दिए। भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में भुला दिए गए बलिदानियों के नाम को उजागर कर देश के प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के लोगों को अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर सपूत और उनकी धरती पर कदम रख देश को आज़ादी दिलाने का कार्य किया था। ऐसे भारत रत्न वीर क्रांतिकारी नेताजी की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ 23 जनवरी को आयोजित होने वाली इस जयंती के आयोजन को लेकर रविवार को स्थानीय विधायक जगदीश नायर के निवास पर होडल हतीन औरंगाबाद हसनपुर और औरंगाबाद के ब्लॉक व ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। उनके साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर प्रदेश भर में 7500 स्थानों पर 6 लाख लोग आजाद हिंद फौज का तराना गाकर नेताजी की और उनकी आज़ादी हिंद फौज से जुड़े स्वतंत्र सेनानी को याद करेंगे, जिनके लिए प्रदेश के सभी जिलों से 16,000 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने पलवल जिले के कई क्रांतिकारियों के नाम सहित याद करते हुए क्षेत्रवासियों को उनका परिचय कराया और 1938 में पलवल में नेताजी के आगमन को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई एयरपोर्ट के नाम बदलकर वीर राजपूतों और क्रांतिकारियों के नाम रखे। कांग्रेस ने अगर सभी स्वतंत्र सेनानी का सम्मान किया होता तो आज हमारे युवाओं के सामने प्रेरणा के लिए आज़ादी कल की लाखों शेर गाथाएं होती, लेकिन कांग्रेस ने लाखों बलिदानियों के नाम सामने नहीं आने दिए। हरियाणा के भी सैकड़ों लोग आज़ादी हिंद फौज के अन्य आंदोलन में हिस्सा लेकर शहीद हुए, जिन्होंने भाजपा 23 जनवरी को याद करेगी। उनके लिए प्रदेश के प्रत्येक वार्ड और गाँव में नेताजी का चित्र और उनके द्वारा दिए गए नारे वे गीत पहुंचा दिए गए हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे सस्ता की वगडोर संभाली है। जब से हरियाणा के दक्षिणी हिस्से और राज्यवाहों में पूरा पानी मिल रहा है, आगामी 23 जनवरी 2022 को पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन व होडल के विधायक जगदीश नायर, हतीन के विधायक प्रवीण डागर, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा, जिला मंत्री महामंत्री वीरपाल दीक्षित, मोहन राम बडोली, देवांशु गौड़, जगमोहन गोयल, सूरज पांडे, मूलचंद गहलोत, मोनू कालडा, जवाहर सौरत, राजकुमार तायल, प्रेमराज तंवर, लखनलाल सौरत, रश्मि सहरावत, राहुल नायर, नरेश कुमार दीवान, दीपक मंगला, सरपंच ईश्वर सिंह मौजूद रहे। वर्चुअल मध्य से जुड़े विधायक दीपक मंगला, होडल में आयोजित कार्यक्रम में विधायक दीपक मंगला ने नेतृत्व में वर्चुअल मध्य से पलवल के चार मंडल चांदहट मंडल, धतीर मंडल और मिंडकोला के कार्यकर्ताओं भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चारों मंडल के कार्यकर्ताओं को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को सफलतापूर्वक मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, जिसको भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको हर गांव में और हर वार्ड में मनाने का फैसला किया है। लगभग 7800 स्थानीय हम सभी स्थानों पर और 75वां साल आज़ादी का, इसलिए कम से कम 75 लोगों को मिलाकर इसको मनाएंगे।
और गांव के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, गांव के जितने भी शहीद हैं किसी भी समय के, सबका सम्मान है और आज़ाद हिंद फौज के तराने गाएंगे और उन अनाम वीरों को भी याद करने का काम करेंगे जिनके नाम अभी जन प्रकाश में नहीं है। तो हरियाणा सरकार से आप किसी संग्रहालय या इस प्रकार का कोई स्मारक बनाने की भी डिमांड करेंगे? बहुत जबरदस्त स्मारक अम्बाला में बन रहा है 1857 की क्रांति की याद में, और सभी हरियाणा का इतिहास उसे में संजो के रखा जाएगा क्योंकि मेरठ से भी पहले अम्बाला से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। मंत्री जी, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज गांव बांसवा में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। आपको बता दें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गांव बांसवा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया गया जिसमें मुख्य अतिथि रिंकू शर्मा जी थे। अपना ब्लड बैंक पलवल की टीम रक्त इकट्ठा करने के लिए पहुँची जिसमें 72 लोगों ने अपना रक्तदान किया। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रिंकू शर्मा है। जो ब्लड डोनेशन का कैंप आज गांव बांसवा में लगाया जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है? ये भाई गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये कैंप रखा है और इसमें सभी युवा बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो कितने लोगों ने अब तक ब्लड डोनेट कर दिया? इसमें लगभग अभी तक 25 के समथिंग हो गया है और अभी आ रहे हैं करने वाले जो हैं, शाम तक चलेगा लगभग 3-4 बजे तक, तो लगभग 50-55 के समथिंग हो जाएगा। होडल में एटीएम पर लटके ताले, ग्राहकों को हो रही परेशानी। होडल शहर में स्थित बैंकों के अधिकतर एटीएमों पर लटके तालों के कारण नागरिकों को समय पर पैसे निकासी न होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज होडल के राष्ट्रीयकृत व प्राइवेटकृत बैंकों के द्वारा स्थापित किए गए अपनी बैंकों के बाहर एटीएम का मुहिम करने पर पाया गया है कि कई बैंकों के एटीएम बंद पड़े हैं और कईयों पर ताला लटका हुआ। किसी भी बैंक के एटीएम पर चौकीदार भी नियुक्त नहीं है। बैंकों के एटीएम आरंभ न होने के कारण एटीएम से निकासी करने आने वाले नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से इन एटीएमों का स्थापित करने का बैंकों का जो मुहिम है पूरी तरह से फ्लॉप होता नजर आ रहा है। मेरा नाम दिनेश है, मैं होटल में रहने का वाला हूँ। दिनेश जी, बताएंगे जो आज आप पंजाब नेशनल बैंक के पास खड़े हो, एटीएम के पास, आप किस लिए खड़े हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे पैसे निकालने आया था, मेरी ताऊ की तबीयत खराब थी तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे कैश चाहिएगा, और मैं मोस्टली 3-4 बैंक पर गया था, SBI पे गया था वो बंद था, और किसी में कोई सुविधा नहीं है, बंद है, किसी को कैसी भी एमरजेंसी हो सकती है शहर में। तो आज पंजाब नेशनल बैंक ये भी इसमें ताला लगा पड़ा है एटीएम पे, ताला लगा हुआ है, किसी को कैसी भी एमरजेंसी हो सकती है। रात को मेरी ताऊ की तबीयत खराब हो गई तो मुझे कैश नहीं मिल रहा, एक आध बैंक पर गया था उसमें भी कोई सुविधा नहीं थी, नई सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पे। और आप मतलब कई एटीएम में घूम आए? मैं 3-4 एटीएम में घूम आया और सारे बंद थे, किसी में कोई सुविधा नहीं है, आप देख सकते हो उसमें ताला लगा हुआ है एटीएम कार्ड में, किसी को भी रात को एमरजेंसी पड़ी। तो आप कौन से बैंक में खड़े हो? मैं पंजाब नेशनल बैंक में खड़ा हूँ। तो उसका एटीएम बंद है? उसका भी एटीएम बंद है, देखो ताला लगा हुआ है। तो आपके ताऊ जी बीमार है, फिर डॉक्टर साहब आप कैसे कहाँ से करोगे? कोई सुविधा नहीं है, पूरे होटल में हर जगह घूम आया हूँ, एक आध बैंक में गया था इस बैंक में, उसमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, नहीं पैसे थे, अब डॉक्टर ने बोला कि पैसे की जरूरत है, पैसे चाहिए, अब मैं कैश कहाँ से लेके आऊँ, कोई सुविधा नहीं है होटल में। फिर भी मैं रक्तदान शिविर का आयोजन समस्त युवा संगठन ने लगवाया कैंप। समस्त युवा संगठन गांव खिरवी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, महंत उमेश दास महाराज की अंतिम तिथि में किया गया। शिविर को लेकर युवाओं में काफ़ी जोश नजर आया। रक्तदान शिविर में अपना ब्लड बैंक पलवल की टीम रक्त इकट्ठा करने के लिए आई। रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर में 35 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। अपना नाम बताएंगे? क्या नाम है आपका? योगेश रावत। अच्छा, आपने ब्लड डोनेट किया? हाँ जी, ब्लड डोनेट किया है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हरीशचंद है। जो ये ब्लड कैंप का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये हमारा ब्लड डोनेट का जो हमने कार्यक्रम किया है, हमारे गुरुजी महाराज उमेश महंत जी का शरीर पूरा हो चुका था, उसकी याद में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है। तो यहाँ पे कितने लोगों ने अब तक ब्लड डोनेट किया? अभी तकरीबन 20 प्लस हो चुका है, बाकी और बंदे अभी आने बाकी है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्या इनका नंबर आ रहा है ब्लड डोनेट करने का? आएगा नंबर, सभी डोनेट करेंगे। तो शायद देखने में तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए भीड़ भी कम है।
बेड तो जिन्होंने जितने मांगे थे उतने ही हैं, काफी पर्याप्त मात्रा में। तो ब्लड डोनेट करने की जो उम्मीद थी उससे भी ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया। बढ़ चढ़ के युवा लोगों ने, फिर भी गांव के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कोई कहना चाहते हो आप इसके बारे में? मैं तो ये चाहता हूँ कि हर साल हमारे गांव खिरवी में हर साल लगे, ये बहुत ही अच्छा होता है। ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई दान नहीं होता।